अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियस गर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोटिलिटी इन बैक्टीरिया के टॉपिक को। याद रहे ये डिस्कशन हम एमडी के पॉइंट ऑफ व्यू से करने जा रहे हैं और ये फेडरल बोर्ड बायोलॉजी की बुक से ये सारी डिस्कशन होगी। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मरतबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिन बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करता तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, मोटिलिटी इन बैक्टीरिया। मोटिलिटी और मूवमेंट, मोटिलिटी या मूवमेंट, हरकत की बात हो रही है बैक्टीरिया में, इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बैक्टीरियल लाइफ इन दैट द ऑर्गेनिज्म कैन स्विम टूवर्ड्स ऑप्टिमल कंसेंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट एंड अवे फ्रॉम टॉक्सिक सब्सटेंस। हमने कहा मोटिलिटी या हरकत की अगर हम बात करने जा रहे हैं, मूवमेंट की बात करने जा रहे हैं, ये बैक्टीरिया की ज़िंदगी के लिए बहुत ही अहमियत रखता है क्योंकि इसमें ऑर्गेनिज्म जो होता है स्विम टूवर्ड्स ऑप्टिमल कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जहां उसको न्यूट्रिशन जो है वो अच्छी मिकदार में मिलती है वहां वो मूवमेंट करते हुए उसके टूवर्ड्स चला जाता है, टूवर्ड्स का मतलब उसी की तरफ, एंड अवे फ्रॉम टॉक्सिक सब्सटेंस, और अगर जहां टॉक्सिक सब्सटेंस जमा हो जाती है उससे दूर जाना शुरू हो जाता है। This type of purposeful movement in response to chemical stimuli is called chemotaxis. इस किस्म की जो movement होती है ना, purposeful movement होती है in response to chemical stimuli is called chemotaxis. इसे हम chemotaxis कहते हैं, यानी purposeful movement ना, या तो toxicity से दूर भाग रहा है या nutrition के करीब जा रहा है, तो purpose था ना, मकसद था ना, तो पर्पसफुल मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू केमिकल स्टिमुलाई, और दोनों सूरत हाल में केमिकल स्टिमुलाई, न्यूट्रिएंट्स भी केमिकल स्टिमुलाई है और टॉक्सिक सब्सटेंस भी केमिकल स्टिमुलाई है, इस किस्म की मूवमेंट को हम नाम देते हैं कीमोटैक्सिस का। समटाइम्स द बैक्टीरिया शो मूवमेंट टूवर्ड्स ऑप्टिमल लाइट कंसेंट्रेशन और अवे फ्रॉम स्ट्रॉन्ग लाइट, और कभी कभार बैक्टीरिया जो होते हैं जहां सूटेबल लाइट होती है उसकी तरफ जाते हैं और जहां रोशनी बहुत ज़्यादा होती है उससे दूर भागते हैं। Such movement in response to light is called phototaxis. इस किस्म की movement को हम नाम देते हैं phototaxis का। Motility in bacteria is achieved by any of several mechanism. इसमें जो है वो motility जो है, ये हरकत जो है वो कई mechanism के through हो सकती है, such as flagellar movement, spirochetal movement एंड ग्लाइडिंग मोटिलिटी। तो ये मोटिलिटी जो है वो फ्लेजिला की मदद से हो सकती है, स्पायरोकेटल मूवमेंट अभी हम डिस्कस करते हैं, और ग्लाइडिंग मोटिलिटी, ये तीन तरीकाकार हैं, वन बाय वन हम इन तमाम मूवमेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है फ्लेजिलर मूवमेंट। फ्लेजिलर मूवमेंट की अगर हम बात करते हैं, मोस्ट बेसिलाई एंड स्पायरिलाई आर मोटाइल बाई मीन्स ऑफ फ्लेजिला। बेसिलाई वाले जो बैक्टीरिया है ना, शेप के लिहाज से, और स्पाइरिला शेप वाले जो बैक्टीरिया हैं ये मोटाइल है, जबकि कॉक्साई आर यूजुअली नॉन मोटाइल। कॉक्साई जो स्फेरिकल बैक्टीरिया हैं ये नॉन मोटाइल है, ये हरकत नहीं कर सकते। द प्रेजेंस ऑफ फ्लेजिला एज वेल एज देयर नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द सेल आर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर पर्पसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। अब यहां ये कह रहा है कि प्रेजेंस ऑफ फ्लेजिला एज वेल एज दियर नंबर, इनकी तादाद, भाई फ्लेजिला कितनी है, एक तो फ्लेजिला है या नहीं उस एतबार से, दूसरा एज वेल एज दियर नंबर, इनकी तादाद, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द सेल, भाई किस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, आर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर पर्पसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, इसकी मदद से जो है वो बैक्टीरिया की पहचान और बैक्टीरिया की पूरी क्लासिफिकेशन होती है। वेन वन और मोर फ्लेजिला अराइज, ये स्पेस यहाँ गलती पर लगा हुआ है, वेन वन और मोर फ्लेजिला अराइज ओनली फ्रॉम वन और बोथ एंड ऑफ अ रॉड और स्पायरल शेप द अरेंजमेंट इज टर्न पोलर। अब देखो इस चीज़ को समझिएगा, वेन वन या एक हो और मोर फ्लेजिला एक से ज़्यादा, अराइज ओनली फ्रॉम वन और बोथ एंड, या तो किसी एक कोने से निकल रहा हो भाई एक फ्लेजिला है, या एक से ज़्यादा फ्लेजिला है, only from one or both end of a rod or spiral shape the arrangement is termed as polar. इसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं polar का। अब ये मिसाल के तौर पर example समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। For example, if a bacterium possesses single flagellum at one end called monopolar monotrichus, भाई देखो अगर flagella है ना
अगर मैं यहाँ फ्लैजिला की बात करता हूँ तो फ्लैजिला के पास जो है एक ही पोल पर क्या है, ये फ्लैजिला है, एक ही पोल पर ये फ्लैजिला है, तो एक पोल पर एक फ्लैजिला है। तो इसके लिए हम कहते हैं इफ द बैक्टीरियम पजेस सिंगल फ्लैजिलम एट वन एंड कॉल्ड मोनोपोलर मोनोट्राइकस, मोनोपोल यानी एक पोल पर है और एक ट्राइकस है। इफ द बैक्टीरियम पजेस सिंगल फ्लैजिलम एट बोथ एंड इज कॉल्ड बाइपोलर मोनोट्राइकस, भाई देखो दोनों पोल पर एक एक है ना, तो ये कहलाता बाई, देखें इफ द बैक्टीरियम पजेस सिंगल फ्लैजिलम एट बोथ एंड, बाइपोलर यानी दोनों पोल पर कितना है मोनोट्राइकस, भाई दोनों पोल पर एक एक है, या ऐसे एम्फीट्राइकस का भी क्या करते हैं नाम देते हैं। सिमिलरली इफ अ बैक्टीरियम पजेस अ पेयर ऑफ फ्लैजिला एट वन एंड कॉल्ड मोनोपोलर बाइट्राइकस, देखें भाई इसके पास भी दो फ्लैजिला है लेकिन एक पोल पर एक एक फ्लैजिला है, इसके पास भी दो फ्लैजिला है लेकिन एक ही पोल पर दोनों है, तो इसके लिए इसका क्या होगा। सिमिलरली इफ अ बैक्टीरियम पजेस अ पेयर ऑफ फ्लैजिला एट वन एंड कॉल्ड मोनोपोलर बाइट्राइकस, मोनोपोलर है और बाइट्राइकस है। इफ द बैक्टीरियम पजेस अ पेयर ऑफ फ्लैजिला एट बोथ एंड, दोनों एंड पर जो है वो दो दो है, तो इसके लिए इस्तेमाल करते हैं बाइपोलर बाइट्राइकस और एम्फीबाइट्राइकस, या क्या था एम्फीट्राइकस, एम्फीट्राइकस का मतलब है कि एक एक फ्लैजिला होगा दोनों पोल पर, और एम्फीबाइट्राइकस का मतलब क्या है कि दोनों पोल पर जो है वो दो दो फ्लैजिला है। ट्राइकस का वर्ड फ्लैजिला के लिए यूज होता है। बट इफ अ टर्फ मोर देन टू, अगर दो से ज्यादा है तो उसके लिए हम टर्फ की बात होगी, गुच्छा है। इफ अ टर्फ ऑफ फ्लैजिला इज प्रेजेंट एट वन एंड ऑफ अ बैक्टीरियम कॉल्ड लोफोट्राइकस, उसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं, पूरा एक गुच्छा है एक पोल पर, उसके लिए लोफोट्राइकस का इस्तेमाल करेंगे। इफ अ टर्फ ऑफ फ्लैजिला इज प्रेजेंट एट बोथ एंड ऑफ बैक्टीरियम, दोनों एंड पर अगर है, दोनों एंड पर अगर ये बाकायदा पूरा गुच्छा मौजूद है, तो इसके लिए हम कहते हैं एम्फी लोफोट्राइकस, यानी दोनों पोल पर है। और फिर हमने कहा व्हेन फ्लैजिला अराइज रैंडमली ओवर द एंटायर सरफेस ऑफ द सेल अरेंजमेंट इज टर्म एज पेरिट्राइकस, और अगर पूरे सेल के अराउंड, देखो यहाँ एक पोल पर था, यहाँ दो पोल पर था, बकिया सरफेस में नहीं, अगर रैंडमली अगर है तो उसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं पेरिट्राइकस का। तो ये डायग्राम आपके सामने है और ये डायग्राम आपके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। इसमें हो सकता है एग्जाम में कोई भी ये डायग्राम बनी हुई आ जाए और आपसे पूछा जाए बैक्टीरिया कौन सा है, तो पहला वाला है मोनोपोलर मोनोट्राइकस, भाई एक पोल पर एक ट्राइकस है, ये क्या है बाइपोलर मोनोट्राइकस, भाई एक ट्राइकस है लेकिन दोनों पोल पर, ये वाला हमारे पास क्या हो गया सी डायग्राम वाले की अगर हम बात करते हैं तो मोनोपोलर बाइट्राइकस, एक ही पोल पर जो है वो दो ट्राइकस है। इसी तरीके से डी वाला जो है वो क्या है बाइपोलर बाइट्राइकस, दोनों पोलर पर ट्राइकस है, ये क्या है लोफोट्राइकस, ये क्या है पेरिट्राइकस, और ये है एम्फी लोफोट्राइकस, क्या है ये एम्फी लोफोट्राइकस। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो यहाँ इस डायग्राम में लिखी हुई हैं और आपने अच्छे से इसको ज़ेन नशीन भी करना है एमडीकेट पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हमारे पास से स्पायरोकेटल मूवमेंट की बात करेंगे। अ समवॉट मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द बैक्टीरियल फ्लैजिलम इज कॉल्ड एक्सियल फिलामेंट। अब जो वो बैक्टीरियल फ्लैजिलम जो है ना उसके मुकाबले में थोड़ा सा ये मॉडिफाइड होता है। इट इज़ प्रेजेंट इन स्पायरोकेट बैक्टीरिया, स्पायरोकेट बैक्टीरिया के अंदर एक फिलामेंट देखी गई है एक्सियल फिलामेंट। द एक्सियल फिलामेंट रन लेंथ वाइज बिटवीन द बैक्टीरियल इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द सेल इन पेरी प्लाज्मिक स्पेस। यहाँ ये कह रहा है कि एक्सियल फिलामेंट जो है ना रन लेंथ वाइज बिटवीन द बैक्टीरियल इनर मेम्ब्रेन, बैक्टीरिया की जो इनर मेम्ब्रेन एन आउटर मेम्ब्रेन दोनों तक ये पहुंची हुई होती है ऑफ द सेल इन पेरीप्लाज्मिक स्पेस, और पेरीप्लाज्मिक स्पेस में भी होगी। स्पायरोकेट कैन परफॉर्म फ्लेक्सिंग स्विमिंग क्रिपिंग स्पिनिंग टाइप ऑफ मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ एक्सियल फिलामेंट। एक्सियल फिलामेंट की मदद से क्या कर सकते हैं फ्लेक्सिंग कर सकता है वो, सुकर सकता है, फैल सकता है, स्विम कर सकता है, रेंग सकता है, और स्पिनिंग राउंड मूवमेंट भी क्या कर सकता है अपने एक्सिस पर भी ये मूवमेंट करने की क्या रखता है सलाहियत रखता है। फिर जो है वो ग्लाइडिंग मूवमेंट भी जो है वो बैक्टीरिया में नोट की गई है। लाइक स्पायरोकेटल मूवमेंट द ग्लाइडिंग मोटिलिटी इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाई सम जेनरा ऑफ साइनोबैक्टीरिया एंड मिक्सोबैक्टीरिया। ग्लाइडिंग मोटिलिटी यानी ग्लाइडिंग वाली जो मूवमेंट है वो कुछ बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया और कुछ मिक्सोबैक्टीरिया में नोट की गई है। दिस ऑर्गेनिजम्स कैन मूव स्लोली ओवर सॉलिड सर्फेस, और ये जो साइनोबैक्टीरिया हैं या मिक्सोबैक्टीरिया हैं ये सॉलिड सर्फेस पर क्या कर सकते हैं स्लोली मूव कर सकते हैं। दे डू नॉट हैव फिलामेंटस स्ट्रक्चर आइदर इंटरनली लाइक एक्सियल फिलामेंट ऑफ स्पायरोकेट और एक्सटर्नली फ्लैजिला ऑफ बेसिलाई,
दे सिक्रीट अ स्लिमी सब्सटेंस लाइक गार्डन स्नेल ड्यूरिंग लोकोमोशन। अब देखो भाई, ये जो ग्लाइडिंग मूवमेंट है ना, कुछ साइनोबैक्टीरिया और मिक्सोबैक्टीरिया में देखी गई है। ये बहुत ही स्लो जो है वो मूव कर सकते हैं सॉलिड सरफेस पर, और इनके पास कोई फिलामेंटस स्ट्रक्चर नहीं होता, चाहे वो एक्सियल फिलामेंट हो जो इनर मेम्ब्रेन और जो है वो आउटर इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन दोनों से गुजरती है, जो कि स्पाइरोकेट में होती है, या एक्सटर्नली फ्लेजिला जो बेसिलाई में पाई जाती है, इस तरह की दोनों चीज़ें नहीं है। तो फिर ये हरकत कैसे करते हैं? दे सिक्रीट अ स्लिमी सब्सटेंस, ये चिपचिपा सा सब्सटेंस जो वो सिक्रीट करते हैं और उसके ऊपर स्लिप करते 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 ये मूवमेंट करने की सलाह रखते हैं। मिसाल के तौर पर गार्डन स्नेल, गार्डन स्नेल जो है वो क्या करता है, अपने मुंह से सलाइवा जो है वो क्या करता है, सिक्रीट करता है, और उसी के ऊपर स्लिप होता हुआ क्या करता है, ये सॉलिड चीज़ों पर मूव करता हुआ नज़र आता है। तो ये थी मोटिलिटी इन बैक्टीरिया। इस लेक्चर को आपने अच्छे से नशीन करना है ताकि आगे आने वाले इससे रिलेटेड एमसीक्यू में आपको कोई परेशानी ना हो। उम्मीद करते हैं आज के ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में हमें अप्रिशिएट करेंगे, वीडियो को लाइक करके हमें अप्रिशिएट करेंगे, हम उम्मीद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।